नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे वेजिटेबल्स के जिन्हें आप साल के 12 महीने लगा सकते हैं, जिनको लगाने के लिए किसी स्पेसिफिक मौसम या टेम्परेचर या सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो उनको आप कभी भी किसी भी मौसम में अपने टेरेस पे गमलों में लगा सकते हैं और उनसे ढेर सारी सब्जियां ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ 12 ऐसी वेजिटेबल्स बताऊंगा जिन्हें आप साल भर में किसी भी मौसम में किसी भी टाइम ग्रो कर सकते हैं और पूरे साल आप इससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला प्लांट मैं रखता हूँ वो टमाटर का पौधा है, जिसे आप साल के 12 महीने लगा सकते हैं। एक बार आप टमाटर का पौधा लगा के ग्रो कर लेते हैं, उसमें फ्रूटिंग सीडलिंग आपकी 15 से 20 दिन में तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांट के लिए, और ट्रांसप्लांट करने के 90 दिन के भीतर आपको टमाटर तोड़ने को मिलने लगता है। टमाटर का पौधा आपका 3 से 4 महीने आराम से चलता है। तो आप हर तीसरे महीने पर टमाटर की सीडलिंग्स अगर लगाते हैं तो आपको कभी भी साल के 12 महीने में कभी भी टमाटर की कमी नहीं होने वाली है। टमाटर के लिए दोस्तों आपको कम से कम 12 इंच का पॉट चाहिए या ग्रो बैग 12 इंच का कम से कम चाहिए, जिसमें आप टमाटर लगा सकते हैं, और उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप टमाटर लगा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, बैंगन का पौधा आप लगा सकते हैं। बैंगन भी आप किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी सीजन में अपने ग्रो बैग में लगा सकते हैं। आप देखिए, ढेर सारे बैंगन आपको मिलेंगे तोड़ने को छत पर से। तो बैंगन के भी आप सीड्स तैयार कीजिए। सीड्स तैयार करने के बाद आप इन्हें 12x12 इंच के ग्रो बैग या 15x15 के ग्रो बैग में शिफ्ट कीजिए। बैगन भी आपको 15 से 20 दिन में सीडलिंग्स तैयार हो जाएंगी और शिफ्ट कर देंगे। 6 से 7 महीने बैगन के पौधे आपके चलते हैं इजली। उससे ज़्यादा पुराना पौधा होता है तो उसमें फ्रूटिंग जो है साइज उसकी छोटी होने लग जाती है, या फिर जिस हिसाब से आपके नए पौधे में फ्रूटिंग होती है उसमें फ्रूटिंग नहीं रहती है। तो आप हर 4th महीने में बैगन की सीड्स अगर लगा देते हैं तो आपको साल भर बैगन तोड़ने को अपने छत से मिलती रहेगी। फिर दोस्तों, तीसरा पौधा मैं लेके चलता हूँ आपको, हरी मिर्च, जिसे कि आप अपने गमलों में ग्रो बैग में लगा सकते हैं। आप देखिए, ढेर सारी हरी मिर्च मेरे छोटे छोटे पौधों में लगी हुई हैं। आप इनको सीडलिंग्स तैयार करिए। कई वैरायटी है मिर्च की, आप कोई सी भी लगा सकते हैं। तो हरी मिर्च आप लगाइए और सीडलिंग तैयार करने के बाद आप इनको दूसरे या तीसरे महीने में फिर से इनकी सीडलिंग्स लगा दीजिए, और 6 महीने के बाद आप नए प्लांट्स तैयार कर लीजिए। तो आपको ढेर सारे मिर्च तोड़ने को मिलेंगे। 12x12 इंच के पॉट में लगाते हैं अगर आप, तो मिर्च को बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए। 12x12 इंच का पॉट सफिशियंट है मिर्च के लिए। तो आप मिर्च भी अपने छत पे 12 महीने हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 पौधे जो आप किसी भी सीजन में किसी भी टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, कुछ पौधे हैं जो जैसे भिंडी हो गई आपकी, आप भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी भी दोस्तों आप साल के 12 महीने लगा सकते हैं। भिंडी लगाने के लिए आपको कम से कम एक फुट गहरा ग्रो बैग चाहिए, और अगर आप एक 12x12 इंच के ग्रो बैग में भिंडी लगाते हैं तो एक ग्रो बैग में 2 से 3 पौधे ही लगाएं, और अगर उससे बड़ा है तो आप उसमें ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। जैसे मेरा ये 24x12 का ग्रो बैग है, इसमें मैंने 5 से 6 पौधे एक ग्रो बैग में लगाए हैं। तो भिंडी भी आपको पूरी साल लगाते रहिए और इसमें से हार्वेस्टिंग आपको मिलती रहेगी। तो भिंडी लगाना साल भर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो भिंडी के बाद दोस्तों हम आते हैं सेम पे। सेम भी हम पूरे साल हार्वेस्ट कर सकते हैं, और ये जो सेम आप देख रहे हैं मैं हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ, ये आपको साल भर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके आप अगर 5 से 6 पौधे अपने किसी ग्रो बैग में लगा सकते हैं। 15x15 इंच का ग्रो बैग इसके लिए बहुत है। तो अगर आप 5 से 6 पौधे उसमें लगा देते हैं और इसकी प्रूनिंग करते रहते हैं तो ये पूरे साल इसमें फूल और फल आते रहते हैं। मैं इसमें साल भर में कम से कम 6 से 7 सीज़न इसमें से सेम हार्वेस्ट करता हूँ। तो मेरे पास 4 या 5 पौधे हैं सेम के, जिसमें से मैं पूरी साल में लगातार इसमें से हार्वेस्टिंग मुझे मिलती रहती है, और हर 4th या 5वें दिन मुझे सेम तोड़ने को मिल जाती है। तो सेम भी आप अपने छत पे लगा सकते हैं 12 महीने इससे हार्वेस्टिंग लेने के लिए। बहुत ही अच्छी वेजिटेबल है, बहुत ही पौष्टिक वेजिटेबल है। तो इसे भी आप अपने टेरेस पे प्लेस दे सकते हैं 12 महीने के लिए। सेम के बाद दोस्तों आप लगा सकते हैं कुछ लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि आप धनिया लगा सकते हैं अपने गार्डन में।
और धनिया आपको साल के 12 महीने अपने गार्डन से ढेर सारी धनिया हार्वेस्ट करने को मिलती रहेंगी। आप हर दूसरे से तीसरे दूसरे महीने धनिया की बुआई कर दीजिए, और धनिया जब भी आप कट कीजिए तो उसमें ध्यान दीजिए कि जब भी आप हार्वेस्ट करते हैं धनिया, तो उसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, सरसों खली से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र या काउडंग कंपोस्ट से बना हुआ लिक्विड कंपोस्ट आप इसमें दीजिए। फिर आपका धनिया हमेशा 2 से 3 महीने तक हार्वेस्ट करने के लिए हमेशा हरा भरा मिलेगा, और आप नई धनिया के सीड्स लगाते रहिए तो आपको साल भर धनिया अपने गार्डन से हार्वेस्ट करने को मिलता रहेगा। इसके बाद दोस्तों लीफी वेजिटेबल्स में नंबर आता है, आप पालक लगा सकते हैं। पालक भी आपको पूरी साल हार्वेस्ट करने को मिलेगा। 2 से 3 बार अगर आप पालक के पत्ते तोड़ लेते हैं तो उसके बाद देखिए, मेरी ये 2 से 3 बार मैंने हार्वेस्ट कर लिया, और मेरी नई सीडलिंग्स मैं आपको दिखाता हूँ तैयार हो रही हैं। 2 से 3 बार जब आप हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद इनके पत्ते अच्छे नहीं आते हैं। तो आप हर दूसरे महीने पालक अगर लगाते रहेंगे तो आपको ढेर सारी पालक अपने छत पर से हार्वेस्ट करने को मिलेगी। जो भी लीफी वेजिटेबल्स हैं दोस्तों, उनको हार्वेस्ट करने के लगाने के लिए हमें ज़्यादा गहरे पॉट की आवश्यकता नहीं होती है। तो इनके लिए जो हम पॉट सिलेक्शन करते हैं वो जो भी स्क्वायर हो, एरिया ज़्यादा हो और गहराई कम से कम 6 इंच हो, तो उसमें आप पालक आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लगा सकते हैं चौलाई। ये बहुत ही अच्छी वेजिटेबल होती है, पत्ते वाली सब्जी होती है जिसे बहुत ही पौष्टिक होती है, तो इसे भी आप अपने ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इसकी ज़्यादा गहराई नहीं चाहिए, 6 इंच की गहराई अगर आपके पॉट की है तो चौलाई बहुत आराम से हो जाती है, और आपसे 30 से 35 दिन में आपको हार्वेस्टिंग के लिए रेडी मिलती है। तो आप चौलाई भी लगा सकते हैं पूरे साल के 12 महीने और अपने गार्डन से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं मूली, जो आप साल के 12 महीने मूली किसी भी तरह से कहीं भी लगा के ले सकते हैं। और मूली ऐसी फसल है दोस्तों जो कहीं भी आराम से उग जाती है, ग्रो हो जाती है, और आपको फिर अच्छी मूली आपको, देखिए मैं दिखाऊं मेरे फ्रूट जो फल लगे हुए हैं उसी गमले में मूली लगी हुई है, और देखिए कम जगह में ढेर सारी मूली मुझे कैसे मिलती है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको मूली के लिए अलग से ग्रो बैग लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जो गमले आप जिसमें फल वाले पौधे या बड़े पौधे लगा रखे हैं, तो उसमें जो नीचे की मिट्टी, जैसे ये देखिए मेरा चीकू का पौधा है, ये नीचे मिट्टी खाली है, तो इसमें मैं मूली के बीज डाल देता हूँ। और मूली, जैसे आप मूली लगाने का जो तरीका है, मूली लगाइए जब आपकी उसमें स्प्राउटिंग हो जाए, मूली में थोड़ी सी मूली 15 दिन की हो जाए, तो आप फिर दूसरे गमले में मूली अल्टरनेट पे लगा, 10 दिन के अल्टरनेट पे आप मूली के बीज डालते रहिए। आप पूरे साल मूली आपको हार्वेस्ट करने को अपने गार्डन से मिलती रहेगी, कभी मूली ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों कुछ क्रीपर वाले पौधे हैं, जैसे लौकी हो गई, आप लौकी लगा सकते हैं जो कि आपको पूरे साल लौकी हार्वेस्ट करने को अपने गार्डन से मिलती रहेगी। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मेरी इस साल की जो बारिश के चक्कर में मेरी लौकी अभी मैं नहीं लगा पाया हूँ। मैंने बेड तैयार कर ली हैं और सीड्स भी लगा दिए हैं, जर्मिनेट होते ही मैं उन्हें इनमें ट्रांसप्लांट करूंगा। लौकी को आप कम से कम 18 इंच के ग्रो बैग में लगाइए, 18 बाय 18 के राउंड शेप में, या फिर इस प्रकार मेरे स्क्वायर में जो है मेरा ये 18, ये 5 फुट का इसका लंबाई है और 2 फुट चौड़ाई है और 16 इंच की इसकी हाइट है। इसमें मैं लौकी के बीज लगाने के लिए मैंने बेड तैयार किया हुआ है, तो आप इस प्रकार इसमें लौकी के बीज लगा सकते हैं। लौकी भी आप एक बार लगाने पे आपको 4 महीने 5 महीने तक लौकी मिलती है हार्वेस्ट करने को, तो आप लौकी भी लगा सकते हैं। और हर तीसरे या चौथे महीने पे अगर लौकी की नई सीड्स आप लगा देते हैं तो साल भर आपको लौकी बड़ी ही आसानी से हार्वेस्ट करने को मिलती रहेगी। फिर दोस्तों आप लगा सकते हैं करेला। करेला भी पूरे साल चलने वाला पौधा है, आप किसी भी सीजन में किसी भी मौसम में कभी भी उसकी सीड्स लगाएं। थोड़ा हार्ड टू ग्रो होता है क्योंकि जो उसकी सीड्स होती हैं वो काफ़ी हार्ड सेल में होती हैं, तो उनको जर्मिनेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जर्मिनेट हर सीजन में करेला भी हो जाता है। तो करेला भी आप कम से कम 18 इंच की ग्रो बैग में लगाइए, और एक ग्रो बैग में आप 2 से 3 पौधे करेले के लगा सकते हैं, और 4 महीने में आप करेले के नए सीड्स लगा लीजिए 3 से 4 महीने में, तो आपको पूरे साल करेला हार्वेस्ट करने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ प्लांट्स थे जिन्हें कि आप पूरी साल लगा सकते हैं और साल भर इनसे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं, इनके लिए मिट्टी जो तैयार करनी है आपको, मिट्टी सभी पौधों के लिए वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें पानी रुके ना, मॉइस्चर को होल्ड करे पर पानी ना रुके। और कंपोस्टिंग का आप हर 15 से 20 दिन पे लिक्विड कंपोस्ट, सरसों खली की लिक्विड कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट से बनी हुई लिक्विड कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आप हर 10 से 15 दिन पे इन पे देते रहिए। और पेस्टिसाइड के लिए आप नीम खली यूज कीजिए। आप पूरे साल इन पौधों से बेहतरीन
सब्जियां तोड़ते रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।